रसाहार की अगली कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र में हमने अभी तक बहुत सारे रसाहार सीखे हैं और आप इसको घर में उपयोग भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं और अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं। तो आइए आज हम कुछ नया रसाहार सीखने जा रहे हैं, वह है आपका आज पाइनएप्पल का जूस, जिसे हम अनानास भी कहते हैं। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं कि इसको कैसे सीखा जाता है। हाँ, अच्छा बताया आपने, ये पाइनएप्पल जो है उसको अनानास भी बोलते हैं और उसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रजाति होती है, पता है आपको? बहुत सारे लोगों को हमें भी नहीं मालूम है। मतलब पहले तो हमें भी नहीं मालूम था लेकिन जब खरीदारी करने गए तो राजा और रानी पाइनएप्पल अच्छा, आता है दो प्रकार के। पता कैसे चलता होगा? वो है राजा जो है ना, वो बैठा घाट का मतलब ऐसा होता है और बीच में से थोड़ा चौड़ा होता है और रानी जो है वो पतला और लंबा होता है। लेकिन जूस के लिए राजा का पाइनएप्पल लेना ज्यादा अच्छा होता है और ये सस्ता भी होता है रानी से। ये राजा है, राजा है, जूस पीने बनाएंगे। आप सभी तैयार है सीखने के लिए? अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हाँ, ये जो पाइनएप्पल है उसकी जो छिलका है वो बहुत हार्ड होता है तो उसको बहुत करीने से काटना पड़ता है और बड़ा चाकू लेना पड़ता है। और जैसे एक ग्लास जूस आपको बनाना है तो करीब 100 से 150 ग्राम आपको काट के लेना है और उसको मिक्सी में डालना है और एक गिलास पानी आप डालेंगे, एक गिलास से कम, इतना डूबे इतना पानी डालना है। वैसे जूसर जो हो उसमें तो आप सीधा डालो और बहुत ज़्यादा उसमें पानी तो डालना नहीं पड़ता है, सीधा जूस निकल जाता है। इसमें थोड़ा सा घुमाने के लिए आधा या आधा से भी कम इतना पानी डालना पड़ता है। इसके थोड़े आप लाभ भी बताइए हमें ज़रूर कि ये बन जाए, उसके बाद बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखें, लाभ तो बहुत है। पका अनानास होता है ना वो मीठा होता है और थोड़ा खट्टापन उसमें होता है, खट मीठा टेस्ट होता है, बच्चों को और महिलाओं को ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको ये पता है कि ये पेट के कृमि को नाश करता है। अच्छा, पाइनएप्पल तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, बच्चों में अक्सर पेट की दर्द की शिकायत रहती है तो इसके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा पाइनएप्पल है वो भी लीवर को मजबूत करता है, हार्ट को मजबूत करता है और बीमारी में जैसे बुखार बुखार है तो उसमें भी हम पाइनएप्पल का जूस कहते हैं पीने के लिए, क्योंकि जितना अन्न कम जाए और पाचन में सुविधा हो तो उसको अच्छा रहता है। और जब बुखार वगैरह आता है तो डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी कमी होती ही है तो इसमें आप जितना ये प्रवाही लेंगे फल के रूप में तो प्रोटीन उसमें है और इसमें विटामिन्स है, कैल्शियम है, फॉस्फरस है, तो ये सब खनिज और क्षार और विटामिन्स मिलने से आपका पोषण पूरा कंप्लीट हो जाता है और आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो देखिए बनकर तैयार हो गया, कितना सुंदर कलर है इसका, आप देख एकदम सफ़ेद क्रीमी, इतना सुंदर, एकदम प्यारा सा कलर आया है इसका। तो ये राजा हमने पाइनएप्पल जो हमारा, अभी इसको आप टेस्ट भी करो तो पता चले ना कैसा है, हमने बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये पाइनएप्पल जो है उसको आप नियमित भी ले सकते हैं, जैसे आपका अपना डाइट है उसमें भी सुबह के नाश्ते में आप पाइनएप्पल का जूस ले सकते हैं। जैसे ज़्यादातर सुबह जो हम नाश्ता करते हैं उसमें फलों का रस लेना चाहिए, दोपहर में छाछ या तक्र जिसको बोलते हैं दही का मट्ठा मतलब ताज़ा वो लेना चाहिए और रात को दूध लेना चाहिए। तो ये जो हमारे आयुर्वेद में जो बताया गया है कि हमें प्रवाही ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि पेट को उसके कम वो मेहनत पड़ती है और जितना ज़्यादा हम रस और ये लेंगे तो ये प्रकृति की औषधि, ये फार्मेसी है, फल और तरकारी जो है वो प्रकृति की फार्मेसी है और इसका जो रस है वो सूक्ष्म भाग है तो वो हमारा शरीर में
वो औषधि के रूप में भी काम करता है और इससे हम स्वस्थ भी रहते हैं और मन भी प्रसन्न रहता है। हम शरीर तन से मन से प्रसन्न रहते हैं और पूर्ण रूपेण स्वस्थ कहा जाता है जिसको। तो बहुत ही तो ये हमारा पाइनएप्पल जूस बनके तैयार हो गया जी जी। और अब हम अगली कड़ी में दूसरा नया कुछ देखेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।